नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ नेशन। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो देखिए, लगातार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार एक महीने पुरानी है, मात्र इसको बने हुए अभी एक महीना हुआ है, अब इसमें देखिए दरारें पड़नी शुरू हो गई। जी हाँ, यहाँ पे जब कैबिनेट का विस्तार कल होना है, यानी कि 5 अगस्त को यहाँ के महाराष्ट्र का जो कैबिनेट है वो बनना है, जिसमें 7 बीजेपी के होंगे विधायक, 7 होंगे एकनाथ शिंदे के विधायक। अब देखिए कि इसमें दरार पड़ना शुरू हो गई है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, आप देखिए कि यहाँ पे जब कल यानी कि 5 अगस्त को जब कैबिनेट का विस्तार होना है, इससे पहले ही खबर ये आ रही है कि यहाँ पे जो एकनाथ शिंदे है उनकी तबीयत बिगड़ गई है। जी हाँ, अब यहाँ पे तबीयत बिगड़ी है या जानबूझ के उन्होंने बिगाड़ी है, ये तो बात की बात है, लेकिन इसमें बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि जो देवेंद्र फडणवीस है वो अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली रवाना होने से पहले वो एकनाथ शिंदे से मिलने गए थे। अब एकनाथ शिंदे ने उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया, अपनी तबीयत बिगड़ने का जो हवाला दिया था उन्होंने। तो इसमें लेकर बड़ी खबर यही बन गई कि जो दोनों के बीच में काफी दरार उत्पन्न हो गई है और कैबिनेट इसकी वजह माना जा रहा है। वजह इसलिए माना जा रहा है कि एक जो एकनाथ शिंदे हैं वो कहना ये चाहते थे कि हमारे कम से कम 10 विधायक इसमें होने चाहिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अड़ गए कि आपके साथ ही होंगे। अब इसके इस मामले को लेकर देखिए देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं, और अब देखिए पूरी की पूरी जो महाराष्ट्र की जो सियासत है अब दिल्ली से चलने वाली है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक महीना सरकार बने हुआ है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है। एकनाथ शिंदे के जितने भी विधायक है, 16 विधायक है जिनको अयोग्य करने के लिए उद्धव ठाकरे उनके पीछे पड़े हुए हैं, उन पे तलवार लटक रही है अयोग्यता की। अब देखिए कि इसमें जो बचा हुआ है, जो सेफ प्लेयर खेल रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस, और ऐसा हो सकता है आप देखिए कि यहाँ पे जो उनकी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है जिसमें वो डिप्टी सीएम है, अब वो ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं यहाँ पे, और ऐसा हो सकता है कि देखिए एकनाथ शिंदे को दोबारा से धोखा मिल सकता है। बहरहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे जो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ कर रहे हैं, या फिर एकनाथ शिंदे की जो दुर्गति इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है, क्या किसकी भूल है, क्या एकनाथ शिंदे ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन।